इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे तो मोदी हुकूमत मौजूदा एहतजाज के चलते परेशान तो है, पर मजबूर भी है कि आरएसएस का एजेंडा मुकम्मल करना है। हाल ही में बाम से बहुजन मुक्ति मोर्चा के कुल हिंद सदर वामन मेशराम का इजलास बेलगाम शहर में मुनक्किद किया गया था, जिसमें उन्होंने खुलकर ब्राह्मणवाद की पोल खोली और मोदी शाह के जरिए इसराइल की यहूदी पॉलिसियों पर खुलकर हमला करते हुए कहा कि अमेरिका, इसराइल और भारत तीनों अब एक ही एजेंडे पर चल रहे हैं। और इसी के मद्देनजर 29 जनवरी को बहुजन क्रांति मोर्चा की जानिब से भारत बंद का ऐलान भी किया गया। वामन मेशराम का कहना है अगर एनआरसी ही लागू करना है तो डीएनए की बुनियाद पर लागू किया जाए, ताकि हुकूमत में बैठे कुछ फीसद यहूदी की नस्ल देश से बाहर हो जाएगी या इन्हें डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। आखिर ऐसी क्या बात है कि मोदी शाह जैसे तानाशाह एनआरसी और सीएए को लेकर जिद पर अड़े हुए हैं। भारत में तकरीबन 8000 के करीब एहतजाज अब तक हुए हैं, जिसमें कई अफरादों की जान चली गई है। नारी शक्ति का मुजाहरा करते देश की खवातीन सड़कों पर एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज का सैलाब रुकने को तैयार नहीं। फिलहाल देश की मईशत का जिक्र करना भी बेकार है। जमहूरी मुल्कों के फहरिस्त में 10 नंबर और नीचे भारत खिसक गया है और भारत में लोकतंत्र को खतरा बताया जा रहा है। दुनिया भर में भारत की गलत पॉलिसियों पर थू थू किया जा रहा है, पर अंधभक्त किसी तरह गाय गोबर के नशे से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। मेशराम साहब ने कहा कि मोदी शाह और भाजपा बहुजन को हिंदू कहकर सिर्फ इख्तदार हासिल करना चाहते हैं। जब तक बहुजन समाज को मुसलमानों को दुश्मन बनाकर पेश नहीं किया जाएगा, तब तक हुकूमत करना इनके लिए मुश्किल है। लिहाजा भाजपा संघ की जानिब से हिंदुत्व का प्रचार किया जा रहा है और आगे बहुजन समाज भी बहुत बड़ा नुकसान उठाएगा। और यही बात है कि हर बात में हिंदू मुस्लिम का खेल गली से लेकर दिल्ली तक खेला जा रहा है। बाबरी मस्जिद मसले को इस कदर बड़ा बनाया गया कि भारत देश की तहजीब, जिसे गंगा जमुनी तहजीब के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है, नफरत का जहर घोला। जब से इख्तदार हासिल हुआ है, किसी न किसी तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो शरीयती कानून को मंजूरी मिली है, जिसकी मुखालफत में मुल्क भर में एहतजाज हो रहे हैं, यही है कि मुसलमानों को छोड़ सभी लोगों की को शरीयत दी जाएगी। मुस्लिम नफरत का एक नमूना कहा जा सकता है कि सिर्फ एक ही वजह नहीं है जिसमें मुसलमानों को तकलीफ दी जाएगी, बल्कि और भी मामले हैं। मसलन तवील अरसा वीज़ा का मामला में भी मुसलमानों को अलग रखा जा रहा है। फेमा एक्ट के तहत ना तो मुसलमान NRO अकाउंट खोल सकता है और ना ही रिहाइश के लिए ज़मीन खरीद सकते हैं। एक और जाति मुसलमानों पर यह की गई है कि अगर आपका वीज़ा ख़त्म होता है और आप कुछ दिन ज़्यादा रुक जाते हैं, यहाँ पर भी आपको मुसलमान होने की कीमत दूसरों के मुकाबले में कई ज़्यादा चुकानी पड़ती है। मसलन जो जुर्माना आपको मुसलमान होने की बुनियाद पर देना पड़ेगा, वह दूसरों से बहुत ज़्यादा होगा। अगर आप सिख, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, बौद्ध और मुख्तलिफ मजाहिब से होंगे तो सिर्फ 100 रुपये देने होंगे, और अगर आप मुसलमान होंगे तो $300 आपको चुकाने होंगे। अगर 2 साल या इससे ज़्यादा भारत में रहते हैं तो दूसरों के लिए सिर्फ 300 रुपये, और अगर मुसलमान है तो $500 देने होंगे। मतलब कितनी नफरत है भारत सरकार को मुसलमानों को लेकर। और शायद सभी यही सोच रहे हैं कि ये तो मुसलमानों का मामला है, लेकिन क्या यह सही है? हमारी खामोशी कहीं किसी खास मजहब को मानने वालों की नफरत की दलील तो नहीं बनती जा रही? मीडिया ने भी इसे कभी सामने नहीं लाया। शाहीन बाग का एहतजाज आलमी मीडिया में जेर बहस है। मोदी मीडिया, गोदी मीडिया को लेकर अवाम में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भारत के दिगर रियासतों में भी शाहीन बाग की तर्ज पर एहतजाज किया जा रहा है। मोदी शाह की सोच ने दुनिया भर में भारत की गरिमा को कलंकित किया है। दिल्ली के इंतखाबात में भी शाहीन बाग एजेंडे पर है। अमित शाह कहते हैं कि इतने जोर से बटन दबाओ कि शाहीन बाग की औरतों को इसका करंट लगे। यानी किस तरह की भाषा जबान इस्तेमाल किया जा रहा है? जानबूझकर इस तरह की बयानबाजी भाजपा की जानिब से बार बार की जा रही है, ताकि फिर से हिंदू मुस्लिम के माहौल में जीत हासिल की जाए, क्योंकि आम आदमी की जीत यहाँ पक्की नजर आ रही है। भाजपा ही के
परवेश वर्मा ने एक और नफरतामोज बयान देते हुए कहा कि शाइन बाग के एहतजाज तुम्हारे घरों में घुसकर औरतों का बलात्कार करेंगे। इसी तरह आगे ट्वीट करके कहा कि सभी मस्जिदों को मैं गिरा दूंगा, एक भी मस्जिद को यहां नहीं रखूंगा। मतलब कितने गिरे हुए अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मोदी कहते हैं फसादियों को उनके कपड़ों से पहचान लेना चाहिए। मतलब मोदी शाह से लेकर इनके चेले चपाटे भी किस तरह की नफरत आमोज बातें जिससे आग भड़काने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। अब तो विदेशों में भी भारत की गलत पॉलिसियां और एनआरसी सीएए को लेकर एहतजाज जारी है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ने पेशकश के जरिए कहा कि मोदी हुकूमत की जानिब से मंजूर किया गया सीएए जमहूरियत के लिए खतरनाक बताया गया। तकरीबन 154 रुकन पार्लियामेंट ने इसे मंजूरी देते हुए अगले हफ्ते होने वाली ब्रुसेल्स में मुजाकरा किया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि देश फैसिस्ट ताकतों का इख्तदार में जा रहा है, जहां मजहब की बुनियाद पर मुल्क कायम करने का मंसूबा मौजूदा हुकूमत का है। बढ़ते एहतजाज और हुकूमत की जानिब से तशद्दुद फैलाने की साजिश क्या देश को गृह युद्ध यानी कि खाना जंगी की तरफ तो नहीं ले जा रही? यह एक शुबात हम सब के सामने आता दिखाई दे रहा है। एक नई जंग आज़ादी की शुरुआत तो नहीं है ये, ऐसा भी लोगों के जहन में आना अब शुरू हुआ है। इत्तेहाद न्यूज़ देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।